एवरीवन इस वाले एनिमे के स्टार्टिंग एक टापू को दिखाती हुई होती है, जहां उस टापू के सामने कुछ शिपें रुकी हुई थी। शिप का कैप्टन दूरबीन से हो रही फाइट को देख रहा था। उसका आदमी कैप्टन को बोलता है कि हमें भी उस फाइट में होना चाहिए था, लेकिन कैप्टन बोलता है कि हमारे होने से भी कोई बात नहीं बनती, हमारे वेपन उन्हें डैमेज नहीं कर सकते, हमें अब सब कुछ हंटर पर ही छोड़ना पड़ेगा। इधर कुछ हंटर की ग्रुप रेडान से लड़ रहे थे, वो लोग अपना मैजिक का इस्तेमाल करते हुए उन्हें मारने की कोशिश करते हैं, मगर उनान को उस फायर से कुछ नहीं होता क्योंकि उन हंटर का रैंक रेडान से बहुत ही ज्यादा कम था, इसलिए वहाँ पे वो वांट उन्हें कर देते हैं। तभी उन्हें बचाने के लिए वहाँ एस रैंक हंटर की ग्रुप आ जाती है, जिसमें से एक लड़का जिसका नाम बुयांग होता है, वो अपने हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल करके उन लोगों को हील कर रहा था। तभी उसके ऊपर कुछ आंट हमला कर देते हैं, मगर तभी उसका दोस्त इंसियो आकर अपने इलेक्ट्रिक मैजिक का इस्तेमाल करके उन सारे आंट को मार देता है। दूसरी तरफ योहानो उन सारे रेड आंट को मार डालता है, मगर तभी उसके सामने एक व्हाइट आंट आ जाती है, वो दोनों अपनी स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिक पावर का इस्तेमाल करके उसे भी मार डालते हैं, मगर तभी उनके सामने उस जैसे और भी आंट आ जाते हैं, जिसे देखकर योहानो अपनी पूरी पावर को एक्टिवेट कर लेता है। इन सीओ अपनी इलेक्ट्रिक स्ट्राइक उनके ऊपर कर देता है, जिसे वहाँ बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। दूसरी तरफ उनके ग्रुप का गिल्ड मास्टर जिसका नाम चो होता है, अपनी फायर मैजिक का इस्तेमाल करके रेड आंट को मार डालता है, मगर व्हाइट आंट को कुछ नहीं होता, इसीलिए वो अपने आदमी को हमला करने के लिए बोलता है। हमें बताया जाता है की 10 साल पहले अल्टरनेट डायमेंशन का गेट हमारे दुनिया में अपियर हुआ था, जिसके पिछली तरफ कुछ क्रिएचर रहते थे जिन्हें मैजिक बिस्ट कहा जाता था, मगर कुछ ऐसे बंदे जो अपने पावर को अवेकन करके उन बिस्ट को मारने का काम करते हैं, उन्हें हंटर कहा जाता है। हंटर की बॉडी की मैजिकल पावर के ही हिसाब से उन्हें रैंक में डिवाइड किया गया है। एक बार अगर वो पावर अवेकन हो गया तो एक इंसान के अंदर बहुत सारी ताकतें आ जाती हैं। इसके बाद कहानी 3 साल बाद में आ जाता है। हमें कुछ ही बिल्डिंग के नीचे एक पोर्टल को देखते हैं, जिसे उस पोर्टल के अंदर के एरिया को दोंगवन कहा जाता था, जहाँ कुछ ही रैंक वाले बिस्ट को मारने के लिए हंटर की ग्रुप को बुलाया गया था। हम वहाँ पर एक हंटर को देखते हैं जो अपने दोस्त किम के साथ मिलता है। किम उसे देखकर कहता है कि जैक, मैंने सोचा था तुमने हंटर की ग्रुप को छोड़ दिया है। जैक कहता है कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, इसलिए मैं थोड़े पैसे कमाने के लिए यहाँ आ गया। हमें पता चलता है उन्हें बिस्ट को मारने पर बहुत ही सारी पैसे मिलते हैं। तभी वहाँ हमारे मेन कैरेक्टर की एंट्री हो जाती है, जिसका नाम जिन सॉन्ग होता है। किम उसे देखकर खाना खाने के लिए बोलता है, मगर जिन उसे मना कर देता है। जैक कहता है कि इसको क्या हुआ, उसने मुझे हेलो तक नहीं किया। हमें पता चलता है कि जिन उन सबसे कमजोर हंटर होता है। जैक कहता है कि अगर वो इस इरेंग गेट के अंदर चला गया तो इसकी आँख सीधा हॉस्पिटल में खुलने वाली है। तभी जिन के पास जोही नाम की लड़की आ जाती है और उसे पूछती है कि उसके फेस को क्या हुआ। इस पर जिन बोलता है कि वैसा ही हुआ जैसे हमेशा होता है। जोही उसे सावधान रहने के लिए बोलती है, और क्या तुम्हारे पास कोई हीलर नहीं था। जिन बोलता है कि ई रैंक पोर्टल के अंदर हर किसी का हाई रैंक है, इसीलिए उन्हें हीलर की कोई जरूरत नहीं पड़ती। तभी उनका उस पोर्टल में जाने का टाइम हो जाता है। मिस्टर सॉन्ग उन्हें मोटिवेट करते हुए सावधान रहने के लिए बोलता है, और सब लोग उस पोर्टल में चले जाते हैं। जिन अपने नॉर्मल चाकू जिसमें कोई मैजिक पावर नहीं होता वो निकाल के सोचता है कि मैं इससे बढ़िया चाकू को एफोर्ड नहीं कर सकता, फिर वो भी उस पोर्टल के अंदर चला जाता है। उसके बाद हम हंटर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट गो को देखते हैं। गो गवर्नमेंट के साथ मीटिंग करके आया हुआ था। गवर्नमेंट उन्हें कह रहे थे कि उन्हें बिस्ट को मारने के बाद जो क्रिस्टल उन्हें मिलते हैं, जिन्हें मैजिक जेम कहा जाता था, वो गवर्नमेंट को दे दे। हमें पता चलता है कि हंटर इन्हीं मैजिक जेम को बेच के पैसे कमाते हैं। इधर जिन को एक बिस्ट मारने के बाद उसे भी एक मैजिक जेम मिलता है, मगर तभी उसके ऊपर एक और बिस्ट हमला कर देता है। उस हमले को डॉस करते हुए उसकी चाकू भी टूट जाती है, जिसे वो भी जिन के पेट पर चाकू घुसा देता है। ये देख के जैक उस मॉन्स्टर को दूर कर देता है और जिन वही इंजर हो जाता है। जैक उस बिस्ट से लड़ने के लिए चला जाता है, जो ही उसके पास आकर उसे हील करने लग जाती है। हीलिंग करते वक्त जिन देखता है कि बाकी हंटर काफी आसानी से दूसरे बिस्ट को मार पा रहे थे। इधर प्रेसिडेंट गो कहते हैं कि हाई रैंक वाले बिस्ट को मारने के बाद उन्हें और ज्यादा कीमती मैजिक जेम मिलते हैं, जिन्हें बेच के वो अपने लिए पावरफुल हथियार बनाते हैं, ताकि उस हथियार का इस्तेमाल करके वो लोग उन मैजिक बिस्ट को मार सके। वहाँ खुदाई करने पर क्रिस्टल भी मिलते हैं, मगर वो जेम जितने कीमती नहीं होते। लेकिन गवर्नमेंट इन जेम का इस्तेमाल करके एक नया एनर्जी सोर्स बनाना चाहती है, क्योंकि ये न्यूक्लियर एनर्जी और बाकी एनर्जी से काफी सस्ता मिल रहा था। गवर्नमेंट इस काम में लगी है कि इन जेम से कैसे इलेक्ट्रिसिटी को पैदा कर सके। इधर पोर्टल के अंदर हंटर ने मिलकर सभी बिस्ट को मार डाला था, मगर उन्हें ज्यादा क्रिस्टल और जेम नहीं मिलते। इधर जिन के पास भी एक ही रैंक वाला जेम था जो बहुत ही सस्ता था। जीहू उसे पूछती है कि वो हंटर बना ही क्यों, क्योंकि वो इस तरह से जल्दी ही किसी दिन मारा जाएगा। तभी उन सबको वहाँ पर एक सुरंग दिखाई देती है, एक डायमेंशन के अंदर एक और डायमेंशन। मिस्टर सॉन्ग ये बात हंटर एसोसिएशन को बताने का बोलता है, मगर बाकी हंटर कहते हैं कि उन्हें इसके अंदर जाना चाहिए, तभी उन्हें ज्यादा जेम मिलेंगे। मिस्टर सॉन्ग उसके अंदर जाने के लिए वोटिंग करवाता है, जो बिल्कुल बराबर निकल के आती है, और वोटिंग करने आखिरी बचा था तो सिर्फ जिन। जिन सोचता है कि मेरे फादर गायब है, मेरी फैमिली में कमाने वाला मैं ही बचा हूँ, मेरी माँ भी हमेशा हॉस्पिटल में बीमार पड़ी रहती है, और मुझे बहन को भी कॉलेज में पढ़ाना है, इसलिए वो भी सुरंग के अंदर जाने के लिए मान जाता है। दूसरी तरफ उसके बाद सिनशिप टोकर हंटर एसोसिएशन में आ जाता है, जहाँ हंटर बनने के लिए पहले उन्हें टेस्ट देना पड़ता था, जिसे उनके अंदर के मैजिक पावर के बारे में पता चलता है और उसी के हिसाब से उनका रैंक दिया जाता है। उसके बाद अलग अलग कंपनी उन्हें हायर करती थी, जिन कंपनी को गिल्ड कहा जाता था। उसके बाद हम गिल्ड मास्टर चोए को देखते हैं, जिसको हमने एपिसोड के स्टार्टिंग में भी देखा था। वो
अपने आदमी से कहता है कि टैलेंट देखकर ही वो हंटर को हायर करे। उनके गिल्ड में एक मेंबर ऐसी है जो सबसे ताकतवर है। उसके बाद हम देखते हैं कि दो चोर एक लड़की का पर्स लेके वहाँ से भाग रहे थे। तभी उनके सामने एक लड़की आ जाती है जो और कोई नहीं वही टैलेंटेड मेंबर है जो एक एस रैंक हंटर होती है जिसका नाम हिना होता है। वहाँ पे वो उछल कर उनसे पर्स छीन लेती है जिससे उनका बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हो जाता है। हिना बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और पॉपुलर थी इसलिए उसके पास बहुत ही ज्यादा भीड़ लग जाती है और सब लोग उसकी तारीफ करने लग जाते हैं। इससे हिना बहुत ही ज्यादा शर्माने लगती है इसीलिए वो वहाँ से चली जाती है। इधर हंटर गुफा में आगे बढ़ रहे थे जिन जोई से माफी मांगता है जिसकी वजह से जोई को भी अंदर आना पड़ा। जोई उसे डांट कर कहती है कि वो अभी अभी मरते मरते बचा है, फिर उसने ऐसा फैसला कैसे किया? अगर तुम्हारे टीम में कोई हीलर ना हो तो बंदे को बचाना बिल्कुल मुश्किल है। जिन उसके लिए उसे माफी मांगता है। जोई कहती है कि वो माफी के लिए उसे डिनर डेट पर लेके जा सकता है, जो सुन के जिन थोड़ा शर्माने लग जाता है। तभी उनके सामने एक बड़ा सा दरवाजा दिखता है जिसे खोल के वो लोग अंदर चले जाते हैं। इधर प्रेसिडेंट गो नए हंटर को बता रहे थे कि 10 साल के बाद भी हमें उस पोर्टल के बारे में कुछ पता नहीं लगने वाला और कोई भी नहीं जानता कि पोर्टल के अंदर के दुहंग में क्या होगा। हंटर बनना काफी रिस्की है, भले ही तुमने कितने भी मिशन करे हो उन्हें हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए, इसलिए दुहंग में जिंदा रहने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। इधर वो लोग बड़े से महल में आ जाते हैं जिधर बहुत ही बड़े बड़े स्टैचू रखे हुए थे जो देखकर कई साल पुरानी स्टैचू लग रही थी। उसके बाद वो लोग एक बड़े से स्टैचू को देखते हैं जो अपने सिंहासन में बैठा हुआ था। उन्हें पता चलता है कि कमरे के बीच में एक मैजिक सर्कल बना हुआ है और एक स्टैचू पर कुछ लिखा हुआ था। जब मिस्टर संग उसे पढ़ता है तो उन्हें पता चलता है कि ये एक मंदिर है और वहाँ आए लोगों को पहले गॉड की पूजा और तारीफ करनी चाहिए। जो लोग इस बात को नहीं मानते वो लोग यहाँ पे मारे जाएंगे, वो यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकते। तभी जोहू जिनको कहती है कि उसे एक स्टैचू को देखा जो अभी अभी आँख हिला रहा था। उसके बाद वहाँ पे दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है। एक हंटर दरवाजा खोल के वहाँ से जाने लगता है तो उसके सामने वाला स्टैचू जिंदा होकर उसे मार डालता है। ये देखने के बाद सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। जिन सोचता है कि डी रैंक का हंटर इतनी आसानी से मारा गया और मुझ जैसे ई रैंक वाले का हाल क्या होने वाला है। जब जिन अपने पीछे वाले स्टैचू को देखता है तो वो भी जिंदा हो जाती है। जिन इससे पहले भी काफी बुरी सिचुएशन में फंस चुका है, वो अपने पहले ही मिशन के दिन अपने टीम से अलग हो गया था, फिर वहाँ उसको एक ई रैंक बीस ने इंजर कर दिया था जिस वजह से उसको एक हफ्ते तक हॉस्पिटल में रहना पड़ा। दूसरी बार तो वो किसी भूल भुलैया में फंस गया था, वहाँ भी वो भूख की वजह से मरने वाला था। बाकी हंटर अपने जेम को बेचकर उससे वो लोग काफी बढ़िया हथियार खरीद लेते हैं, मगर जिनके पास तो अपने घर का प्याज काटने वाला चाकू होता है जिसके टूटने के बाद उसके हाथ बिल्कुल खाली हो चुके हैं और अब उसके जूते भी फट चुके थे। इतना ज्यादा खतरनाक काम करने के बावजूद भी जिन ज्यादा पैसे नहीं कमा पा रहा था, लेकिन वो जिंदा बचने के लिए हमेशा चौकन्ना रहता था। वो हमेशा अपने आसपास की चीजों को बारीकी से ऑब्जर्व करता है। इससे पहले उसने एक मॉन्स्टर को चुपके से पीछे से मार दिया था, फिर जब उस स्टैचू की आंख लाल होती है जिन सबको नीचे झुकने के लिए कहता है जिसकी आंखों से आग निकल रही थी। कुछ लोग तो वहीं पर जलकर मारे जाते हैं, जिन खुद को और जोहू को बचा लेता है। इसके बाद सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं, ये सब क्या हो रहा है, यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। जिन सोचता है कि हम लोग एक ट्रैप में फंस गए हैं और हम यहीं पर मरने वाले हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।